मेटल्स के अंदर दम है क्या? सेल एक बार जरा चेक कराते हैं। सेल ने बेस तो वापस से बनाया है, देखते हैं क्या होता है। एक बार सेल का शेयर दिखाना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। प्रशांत जी एक बार जरा चेक करके बताओ सेल। तो डीपी जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा हो चुका है और 145 के नीचे यानी 144 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। पहला टारगेट तो आपका वो टारगेट नहीं है, एक हर्डल है 160 पे, जो एक रेजिस्टेंस है। ये अगर हम क्रॉस कर दे तो आप स्ट्रेट 170 तक के लेवल तक पोजिशनली जा सकते हो। सो 145 के नीचे स्टॉप लॉस रख के लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक मेटल से जो मेरे रडार में आ रहा है वो जिंदल स्टील है, करीबन 1020 पे चल रहा है। कल का जो लो बना हुआ है आइडियल स्टॉप लॉस आपका वो होगा। तो कैश में एक्युमुलेट करना चाहिए, इसमें कोई फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है, बट डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे है एक्युमुलेशन के हिसाब से। सो कैश में एक्युमुलेट करके 990 स्पॉट क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा करीबन 1075 से लेके 1080। ठीक है, ये सेल पे आपको रिकमेंडेशन। रत्नेश सर से लेते हैं कॉल। रत्नेश जी, एक शेयर आप, अच्छा आप ही बताओ, आप मन्नापुरम प्लस करोगे सर क्या? अभी प्राइस एक्शन नहीं आया मन्नापुरम में, बट मन्नापुरम में कल के सत्र में डिम्पी जी काफी अच्छा मोमेंटम को देखने को मिला। इसमें हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा, ब्रेकआउट बन रहा, एक सप्लाई जोन के आसपास में आ गया है। 220 222 इसका सप्लाई जोन है, इसलिए थोड़ा सा रुक रहा है। पर मेरे हिसाब से इसमें कुछ अभी ऐसा नेगेटिव भी नहीं है, तो बिल्कुल एक 210 रुपए के स्टॉप लॉस से आज के लिए नहीं, पर 2-1 दिन कोई होल्ड करना चाहे तो 210 के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं। टारगेट जो बनेगा 220 222 और 225 रुपए के ऊपर एक नई तेजी चली जाएगी। एक बार जरा शुगर स्टॉक वापस से आप दिखाओ। आप देखो बाजार के कॉन्ट्रा कैसे शुगर स्टॉक खड़े हो रहे हैं। कल भी हुए थे, कल भी आपने याद रखा होगा कि बलरामपुर चीनी बकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुआ था। आज फिर से बलरामपुर चीनी चल रहा है और 2 दिन से बाजार वीक हो रहा है, लेकिन शुगर स्टॉक वीक नहीं हो रहे। ये रेणुका है, द्वारकेश दिखाइए जरा आप, बजाज हिंदुस्तान आप दिखा सकते हैं। और इसके लिए मैं ज़रा थैंक यू भी करना चाहूँगा हमारे मेहमान थे सनी अग्रवाल। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे पता किया था, मैंने खुद ही आपको 3-4 रीज़न गिनवाए थे कि मार्केट के अंदर बहुत ज़ोर से बस चल रही है कि इनको 30% रिलैक्सेशन आ जाएगा। मैंने आपको फिगर भी बताई है कि कितने रुपये का फ़र्क है इंडिया और बाहर के अंदर, 10 रुपये का फ़र्क है। और दूसरा, एथेनॉल के अंदर इस बार ब्लेंडिंग अच्छी हो सकती है। इस बार के जो मिनिस्टर हैं पुरी है, मिस्टर पुरी, उन्होंने सबसे पहले कुर्सी पर बैठते यही कहा कि मैं एथेनॉल ब्लेंडिंग को 25% करना चाहता हूँ। अभी 15% भी कायदे से नहीं है। आप ये सोच के देखो, अगर 15 से 25% के ब्रैकेट में जाना है तो एथिकली ये करीब 50% से भी ज़्यादा ब्लेंडिंग का टारगेट बढ़ जाएगा। और कई देशों में तो 40-40% तक होता है ब्लेंड, हमारे यहाँ तो फिर भी कम है। तो सारी की सारी शुगर कंपनीज आज फिर से नोटिस हैं, और मैंने आपको कल भी और आज भी नोटिस करा था कि शुगर को बजट तक मत छोड़ना, ये पहले चलेंगी उसके बाद कुछ होगा। बजाज हिंदुस्तान प्रशांत जी से चेक करा लेता हूँ, इसको हम लगातार आपके सामने कई बार नोटिस करवाए हुए हैं। प्रशांत जी बजाज हिंदुस्तान देख लेना, ये 44.5 होके ना कल परसों भी 44.5 गया था, फिर वापस आ गया था, अब फिर से 42, 42.5, 47 होने जा रहा है। ये इसको कहाँ तक होल्ड करना है? और अगर ये शेयर आपको पसंद नहीं है तो कोई भी शुगर में से आप शेयर दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि बजाज हिंदुस्तान ही बोलना है। जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सिंपल ट्रेड ये होगा कि आप सिर्फ 39 के नीचे यानी करीबन 38.5 स्पॉट क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहो। जब तक ये ट्रिगर नहीं होता है आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो। एक नैरो रेंज में ये चल रहा है, सो चांसेस है कि यहाँ से ये रेंज ब्रेकआउट कर दे और करीबन 47-48 तक के लेवल्स दिखाए। सो सिर्फ डाउनसाइड कर्व कीजिए और मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए।